अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, हमारी मम्मा की तरफ से एक सवाल था कि जब वो ना हाथ पैर में ऑयल वगैरह लगाते हैं तो फिर उसके बाद जब वजू करने के लिए जाते हैं तो हाथों पे वो पानी रुकता नहीं है, पानी डायरेक्ट निकल जाता है, तो उन्हें महसूस होता है ना कि हाथ पे पानी टच नहीं हुआ, तो क्या ऐसा वजू करना सही होगा? ठीक है, वाजह है सवाल। हाँ, मैं सवाल बता देता हूँ। सवाल इनका ये है कि तेल लगाते हैं हाथ पर, उनके वालिदा या वालिद कोई है जो तेल हाथ पर लगाते हैं, हाथों और पैरों पर, तो वो जब वुजू करते हैं तो पानी हाथ पर टिकता नहीं है, वो उतर जाता है, तो ऐसी सूरत में क्या वुजू हो जाएगा, क्या पूछना है उनका? देखिए सिस्टर, पानी का आजाए वजू तक पहुंचना ये जरूरी है। अब अगर आजाए वजू पर कोई भी ऐसी चीज लगी हुई है जिसकी वजह से पानी चमड़े तक नहीं पहुंच रहा है तो वजू नहीं होगा। अब अगर कोई ऐसा तेल है कि पानी उस पर डालने से पानी जो है चमड़ी तक नहीं पहुंचता है, पानी ऊपर से ही बह जाता है, तब पहले उस तेल को जायल कीजिए, खत्म कीजिए, उसके बाद वजू बनाइए। लेकिन हर तेल ऐसा नहीं होता है, हर तेल ऐसा नहीं होता है। बहरहाल कोई भी केमिकल, कोई भी चीज, कोई भी तेल, कोई भी चीज ऐसी हो जो आजाए वजू पर लगी हो जिसकी वजह से चमड़ी तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो फिर उसको जायल करके फिर वजू बनाना जरूरी है। अब ये फैसला आप कीजिए कि वो तेल किस नौइयत का है, क्या हकीकत में चमड़ी तक पानी नहीं पहुंच रहा है, तो पहले हाथ को धो लीजिए किसी चीज से, उसके बाद फिर वजू बनाइए। जी, तेल तो बर्तन का यूज करते हैं, अदर कुछ नहीं। देखिए आमतौर से जो मेरा मुशाहदा है, अगर तेल आपके हाथ पे लगा है और पानी डालते हुए हाथ पे अगर आप हाथ को दूसरे हाथ से मलेंगे तो चमड़ी तक पानी पहुंचेगा। अगर ऐसे ही डाल लिए और तेल बहुत ज्यादा लगा हुआ है, तेल ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तेल बहुत ज्यादा लगा हुआ है तो हो सकता है वो पानी ढलक जाए ना पहुंचे, लेकिन अगर आप हाथ को दूसरे हाथ से मलेंगे तो पानी पहुंचेगा, चाहे तेल में मिक्स होने के बाद पहुंचे। तो बहरहाल बेहतर यह है कि अगर इतना ज्यादा कोई केमिकल हाथ पे लगा है तो पहले उसको साफ कर लीजिए।